भाई लगता है मेरा रिश्ते में, गया था कि भी ये लड़की के मेरे पापा ने बोला था भाई बाद में बयान करवाएंगे दोबारा से, तो सर दोबारा उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। स्कूल में सर जा रही थी, रास्ते में बाइक पे था सर, पता नहीं उसने क्या सुंघाया क्या किया। नरवाना से बोल रहे हैं जी हम। नरवाना से? हाँ जी। ये जो आपने मीडिया वाली बुलाई है, हाँ जी, मेन पर्पज ये कितने दिन का मामला है, एक बार डिटेल में बताओ खोल के। 16/3/2023 का मामला जी। क्या मामला है? ये गुड़िया को गुमराह करके ले गया था। कौन ले गया था? अगर रोहित स्नोक सतवीर गांव बडाना। अच्छा। अरे हमारे को गुमराह करने के लिए बैग नहर का प्रूफ पर रख दिया, मेरे परिवार वाले गुमराह हो जाएगा, नहर में तलाशी करेंगे। हमने नहर में तलाशी की, तलाशी नहर में नहीं मिला जी कुछ। हमको 17 तारीख को शाम को पता लगे भाई गुड़िया चंडीगढ़ है तुम्हारी। हम 18 तारीख ने सवेरे चंडीगढ़ गए, गुड़िया वहाँ गुरुद्वारा में पाई गुड़िया। उसके खिलाफ प्रशासन कोई भी कार्रवाई नहीं करी आज तक। अच्छा। हाँ जी। तो वो जो लड़का बताया, कौन से गांव का बताया है? बधाना का जी। बधाना गांव का। वो आपके गांव में क्या कर रहा था? और रिश्तेदारी में है जी हमारा। रिश्तेदारी में? हाँ जी। तो आपके घर से उसका लिंक है आना जाना? नहीं जी, कोई नहीं। तो उसको मतलब कैसे पता चला? उसको तो छोटा भाई का, उसकी बुआ के पास रहता है। अच्छा। कितने दिनों से? दो महीनों से। जब आप चंडीगढ़ गए जी, तब गुड़िया अकेली मिली या फिर लड़का भी साथ? नहीं जी, गुड़िया मिली हमको गुरुद्वारा में। फिर गुड़िया ने क्या बताया आपको? गुड़िया ने बताया मैं 16 तारीख को 12 बजे यहाँ ली थी, तो मैं यहीं पर हूँ, हमारे घर यही बता रहा। उसके बाद में आपने कोई पुलिस कार्रवाई वगैरह? पुलिस कार्रवाई करी, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। FIR वगैरह सारी चीज़ कराई? FIR भी करवाई है, गुमशुदा की दरखास्त दी थी जी, उसके ऊपर जाँच नहीं करी कुछ भी। अच्छा। जो कुछ किया जी हमने किया, पुलिस ने कुछ नहीं सहायता करी। क्यों नहीं किया पुलिस ने, ऐसा क्या कारण है? पुलिस वहाँ से पैसे खा रही हो या उनके कुछ प्रेशर में दबाव हो? प्रवास कहाँ से? बदाना से। बदाना से। तो कितने पुलिस आपको क्या आश्वासन वगैरह? बस भैया ये जो आश्वासन दे रही है, करते हैं कुछ नहीं। कोर्ट में भी जा रहा मामला ये? हाँ जी, कोर्ट में आज डाल लिया हम। अच्छा। तो क्या आश्वासन दिया वहाँ से? वहाँ से कहा हम इनकी जांच करवाएंगे, पुलिस को बुलाएंगे, पूछेंगे क्या बात है क्या। 17 तारीख की। तो आप प्रशासन से क्या गुहार लगाने ला रहे हो? हम तो जी गुड़िया का प्राण का केस लगा कर उसको अंदर करवाना चाहते हैं। अच्छा। तो गुड़िया कई दिन लापता रही घर से? लापता तो 16 दिन गई थी, 17 गई, 18 में सवेरे ले आई। आप लेके आए हो? आपको मालूम कैसे चला? हमको इसको मैसेज आ गया फोन पर, वहाँ से हमको पता लगा भी फोन चंडीगढ़ से आया। हम सवेरे 4 बजे चंडीगढ़ जा रहे, हमको गुड़िया वहाँ गुरुद्वारा मिली। अच्छा, ठीक है। तो फिर लड़की के कुछ बयान वगैरह वहाँ पर? लड़की के बयान तो मजिस्ट्रेट के भी हुए हैं, SP साहब के भी हुए, जी भी हुए हैं, हमको कोई पता नहीं। पुलिस ने किया जो कुछ किया है। अच्छा। हमारे को कुछ नहीं कहा, पुलिस ने को नकल दे ही ना, को हमारे को बयान लिया ना हमारे को बात बताई कुछ। अच्छा। तो फिर जो लड़की है क्या काम करती थी आपकी, कहाँ जा रही थी? तो जी सवेरे हर रोज 6:40 बजे घर से जाएगी थी, आपकी खेल गाँव के स्कूल में। अच्छा। यहाँ प्लस वन में पढ़ती है, वो 16 तारीख को उसका पेपर था, वो पेपर भी रिजेक्ट हो गया। अच्छा। तो आप मतलब कहाँ जा रहे थे, क्या आपके बयान? पहले तो ये बताइए आप जो वहाँ से लेके आए चंडीगढ़ से, आपके क्या बयान लिए पुलिस ने? पुलिस ने मेरा कोई बयान नहीं लिया सर। उस टाइम ये बोला गया था भाई कुछ ध्यान नहीं था, कुछ पता नहीं था सर क्या कर रही हो क्या नहीं, तो उस टाइम ये बोला गया था कि भाई ये लड़की के मेरे पापा ने बोला था भाई बाद में बयान करवाएंगे दोबारा से, तो सर दोबारा उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। अच्छा, क्या क्या बयान लिए हैं आपके? सर उस टाइम बस यही पूछा था भाई कब कैसे गई क्यों गई किसके साथ थी बस सर, और उसके अलावा कुछ नहीं पूछा रहा। अच्छा। उस टाइम ये बोला था सर भाई लड़की को पता नहीं है, लड़की के दिमाग पर प्रेशर है, वो बता नहीं रही ठीक से, तो आप लोग दोबारा बयान लीजिएगा, तो सर उन्होंने दोबारा कोई कार्रवाई नहीं की। अच्छा। तो आप उस लड़के को पहले जानते थे? सर भाई लगता है मेरा रिश्ते में। रिश्ते में आपका भाई लगता है? यस सर। अच्छा। तो आपकी पहले मुलाकात हुई है उससे? यस सर, उसने मैसेज किया था भाई, उसे पता था सर मेरे पापा कहाँ पे रहते हैं, भाई कहाँ पे रहते हैं, क्या करते हैं, किस टाइम आते हैं, तो सर उन्होंने ये बोला था भाई कि तेरे पापा को मार देंगे तेरे भाई को, मतलब सर ब्लैकमेल किया था,
उस टाइम सर दबाव में आ गई थी, डिप्रेशन में चली गई थी, कुछ ध्यान नहीं था सर, और ऊपर से बीमार भी थी सर, तो पता नहीं था उस टाइम क्या कर रही हूँ क्या नहीं। अच्छा, तो जो ये मौका है वो किस टाइम का है और कहाँ क्या कर रहे थे आप? कब सर? जो स्कूल में बता रहे हो आप? स्कूल में सर जा रही थी, रास्ते में बाइक पे था सर, पता नहीं उसने क्या सुंघाया क्या किया उस टाइम के बाद सर, पता नहीं क्या कर रही थी कैसे कर रही थी। तो कहाँ ले आपको, मतलब उसी दिन शाम को ले गया? सर सुबह है, सुबह ही। सुबह कौन सी जगह हुई है घटना, जैसे आपको कुछ सुनाया हो? सर ये स्कूल से थोड़ी सी दूरी, थोड़ा स्कूल जा रही थी रास्ते में ही। क्या लड़का अकेला था या साथ में कोई और भी था उसके? सर लड़का तो अकेला ही था, बाइक पे था। और जो एक उस दिन कह रहे हैं एक लेटर भी मिला था जिसमें कुछ लिखा हुआ था, वो कैसे लिखा गया किसने? सर मुझे पता नहीं सर, उस टाइम क्या किया कब किया कैसे किया कुछ भी याद नहीं है सर, कुछ पता नहीं है। लड़के ने जब आपको पहले डराया धमकाया जैसे कि आपने पहले बताया, वो आपने कभी परिवार से साझा नहीं किए बातें? नहीं सर, बोल रखा था भी किसी को बोल रहा तो तेरे घर वालों को कुछ भी बोल दूंगा, ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा सर, ब्लैकमेल कर रहा था। कितने दिनों से ब्लैकमेल कर रहा था? सर उस कुछ दिन पहले की बात है, 6-7 दिन। यानी कि आपकी चैट पे बात होने लग रही थी फोन पे? सर फोन पे बात नहीं हुई कभी, इंस्टाग्राम पता था सर, आईडी पता था, सब कुछ पता था सर, सबके फोन नंबर थे, पापा का भाई का सर, फिर उस टाइम के बाद नंबर ब्लॉक कर दिया था, आईडी ब्लॉक कर दी थी मैंने, कभी फिर बात नहीं की, कभी कुछ किया नहीं सर। फिर सर स्कूल जा रही थी उस टाइम, पता नहीं सर उसने क्या सुंघाया या क्या खिलाया, ये आपको मालूम ही नहीं है? नहीं सर। वैसे आप पढ़ते हो और सपोस्ट में भी बताने लग रहे हो कि आप एक पूरे स्कूल को संभालने लग रहे हो, सत्य है या गलत है? सही है सर, खेलती हूँ, 3 बार स्टेट खेल चुकी हूँ, 3-4 बार डिस्ट्रिक्ट खेल चुकी हूँ सर। अच्छा, तो आप जो आपकी माताजी बैठी है, आपका क्या मानना है, आपसे कोई बयानबाजी लेके गया है, आपने इस मामले का पहले कन्फर्म था या ना था? ना जी, मैंने कोई तो नहीं था जी, कोई पहला कुछ हुआ हो ही नहीं जी, मारा गलत हो जी, ना कभी ला लेनी था भाई, अकूरा रोजे आया रोवा है, गया रोवा है, आंदा जाता रोवा है। वैसे वो इसका काका कर दे, लाले को काम होना, काका जी बुलाले कर दे तो अब इसका काका अपना भाई ने बेबे ने अपना गला टोर दे कर दे भी, हमने क्या पता था जी। अच्छा, जिस जो लड़का आपकी लड़की को लेके गया है उसके साथ आप पहले गाल देते थे? ना जी, कभी भी नहीं जी। और किसका किस नाम ले रहे हो? जो हमारे छोटे बच्चे है नी जी, 29-7 माह हम कर दे, बच्चे कले जुकरे बड़े है नी, जिसने पानी लेने जाओ कड़िया भी जाऊं जी, हम 1-7 माह गाला जी भाई, बच्चा ठुआ लिया सुरक्षित रहो। तो आपका कोई बयानबाजी नहीं हुआ अभी से? ना जी, मेरा कोई बयानबाजी नहीं हुआ। सुनवाई क्यों नहीं हो रही, क्या लगता है आपको? सुनवाई माम जी, सुनवाई करिए नहीं जी, पुलिस ना करे नहीं जी, वैसे नहीं कर जाएंगे, नहीं कर जाएंगे, उनकी बुला लेंगे जी, उनका किमें कार्रवाई, उनकी अपना बिठाई नहीं जी। और ने बताया जैसे कि वे रिश्ते में भाई लगता है, तो मतलब क्या रिश्तेदार रिश्वत खा रहे होंगे जी, वे दबाव मार रहे होंगे जी। जी जैसे कि लड़की ने बताया कि भाई वो रिश्ते में भाई लगता है, उसके साथ क्या मामा लड़का है? इसका मामा का लड़का है जी, इसका सगा मामा का लड़का। हाँ, या परिवार से चाचा है इसका, सगाई है, सगाई मामा है, सगाई मामा है इसका, सगाई मामा लड़का है। अब आप लास्ट में पुलिस प्रशासन से क्या आस लगाए बैठे? पुलिस तो जो हमको गुमराह कर रही है, कार्रवाई नहीं कर रही, हमारे पर प्रेशर डाल रही है, समझौता कर लो घर का मामला, समझौते का प्रेशर डाल रहा है, हम चाहते हैं कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए इसके खिलाफ। पुलिस रिश्वत खाई हुई है। लड़का काम क्या करता है? बस में कनेक्टरी करता, प्राइवेट। प्राइवेट? हाँ। अच्छा, कैथल टूनर वाला। ठीक है। अच्छा, आप भी वो जो बताने लग रहे थे, एक भी जो लड़के की माँ है, हाँ। वो तांत्रिया काम करती है, वो भाई बता दे क्या करती है? वो तांत्रिक विद्या से काम करती है, वो उसी ने ही सुंगाने के लिए कुछ दिया है, उसका पूरा हाथ है उसकी मम्मी का। पूछा पिटा कर दियोगे जी? बीड़ी नहीं। क्या करती है, दोबारा बताइयो। वो तांत्रिक का काम करती है, पूछा प्रीत का काम करती है, वो सुंगाने के लिए भी उसी को ही हाथ पाएगा उसकी मां का ही। यानी कि उनके घर के सहमति है? बिल्कुल सहमति, उसकी मां की तो सहमति है और वो उसका परिवार की भी हो। आपको क्या लगता है, तांत्रिक विद्या से इस तरह की कोई कार्रवाई हो सकती है? हाँ जी, हाँ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है तांत्रिक विद्या से। पुलिस प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा आपकी नजरों में? पुलिस प्रशासन रिश्वत का से आपसे या फरमाइश के दबाव से, शमशेर नगूरा ने टेलीफोन भी किया है और थाना में भी आया है वो।
शमशेर नगोरा जिसका दुष्यंत का खास बंदा है तो जनरल कम है सर, उसने भी साथ दिया है इनका। आप कौन हो? मैं लड़की का चाचा हूँ। अच्छा, लड़की का चाचा हूँ। तो हम लड़की से सवाल करना चाहेंगे, आपके साथ पुलिस ने जो आपको लेके आए कोई मारपीट वगैरह हुई हो, को धमकाया गया हो, कुछ पूछा गया हो? नहीं सर, उस टाइम धमकाया ऐसा तो सर कुछ नहीं किया था, पर सर मेरे पापा ने मम्मी ने बोल दिया था भाई लड़की ठीक से जवाब नहीं दे रही है या इसके दिमाग पे प्रेशर है। भाई उस टाइम सर दो बार बीमार हो चुकी थी सर, तो दिमाग की नस भी नहीं खुल रही थी, तो सर ये बोला था भाई दोबारा बयान करवाएंगे लड़की के। नहीं, लड़के को पूछ रहे हो, लड़के ने कुछ धमकाया डराया, कुछ प्रेशर डाला गया लड़का जो लेके गया था आपको? हाँ सर, उसने ये प्रेशर डाला था कि भाई तेरे पापा का भी पता था, मम्मी का, सबका पता था सर उन्हें क्या करते हैं कब करते हैं, तो सर उन्होंने ये उसने ये बोला था भाई तेरे पापा को मरवा देंगे, तेरे भाई को मरवा देंगे। ये बात कहाँ, चंडीगढ़ में बोली थी कि यहाँ बोली? सर मैसेज में बोले थे, और ये सर बाद में भी ये सब कुछ होने के बाद भी सर उन्होंने ये बोला भाई मैं तेरे घर वालों से बदला लूंगा। आप दो तीन दिन से बाहर रहे हो उसके साथ में, कहाँ कहाँ रखे आपको उसने? सर उसके साथ बाहर नहीं रही थी मैं, फिर सर जो उस सर उसके पास नहीं थी सर, मैं जबरदस्ती करके कैसे भी करके उसके साथ से चली गई थी सर, भाग गई थी उसके पास से। नहीं, उसके साथ घर से तो यहाँ से तो उसके साथ गए हो ना आप? यस सर। तो फिर उसने कहाँ कहाँ रखे आपको? सर वो बाइक पे लेके गया था, पुल के पास लेके गया, नहर के पास लेके गया, उसके बाद नहीं पता सर। अंकल आपसे सवाल है, ऐसा लड़की के साथ होता है, सरकार भी कार्रवाई नहीं करती, प्रशासन भी कार्रवाई नहीं करती, इस कानून प्रक्रिया के बारे में क्या कहना चाहोगे आप? गवर्नमेंट कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, काम का टाइम पे गवर्नमेंट सो जाती है, क्या का नारा आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, कौन सा तरीका है सरकार का पब्लिक को बनाने का? आप अपनी बेटी को स्कूल में भेज रहे थे, सपोर्ट में अच्छी बताओ है, दो तीन बार नेशनल बहुत बढ़िया खेल रही है जी, आपकी बहुत बढ़िया खेल रही है, प्लस टू दसवीं बीस के नंबर 80-85% नंबर है, अरे 80-85% नंबर है प्लस वन में जी। गवर्नमेंट तो ऐसे लाड़ा दी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी के जब साथ घटना घटती को गवर्नमेंट कानूनी कार्रवाई नहीं करती हमारे पास, हमको झांसा दिया जा रहा है, दबाव दे रहे, समझौता किस तरह का दबाव दिया जाने लग रहा है? रिश्तेदारी आपसे में समझौता करो। अच्छा, तो फिर आप समझौता करने के लिए? नहीं जी, हम समझौता के खिलाफ है बिल्कुल, हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं रही वहाँ से, हमारी रिश्तेदारी तो लॉकडाउन आएगा, रिश्तेदार रह भी जाओ जी, मारे तो मारे जी मारे घर आएगा नून पानी खाकर आराम कर दे, हमारे रिश्तेदार कहाँ से आएगा? रिश्तेदार तो होता था दुख सुख में फिर होता है, उसने मारे घर में दुखे पैदा कर दिया, रिश्तेदार कहाँ रह गया? आपको कैसे पता चला कि ये लड़की चंडीगढ़ में है? ये चंडीगढ़ से कोई मैसेज करे हम फोन पर गुडिया ने किसी के पास। गुडिया, अभी आपने एक बयान दिया था कि मैं उसे मतलब छुटा कर भाग गई थी, भागने के बाद आपने अपने परिवार वालों से कांटेक्ट करने की कोशिश क्यों नहीं की? उसने बोल दिया भाई तू घर से आई है तो घर वाले तुझे मारेंगे पिटेंगे, तो सर मैं दबाव में थी, डर गई थी। तो उसके बाद आप कहाँ मिले इनको? सर चंदी यही सर जिनसे लड़कियाँ थी सर फुटबॉल खेलती थी वो उनके साथ थी सर मैं गुरुद्वारे में। मतलब जो जिनसे लड़के थे उन्होंने आपके परिवार वालों से संपर्क किया? लड़कियां थी सर। उन लड़कियों ने आपके परिवार वालों से संपर्क किया? नहीं सर, संपर्क मैंने अपने एक फ्रेंड के पास किया था, फिर उसने सर मेरे पापा को बताया था। लास्ट में की अपील चाहोगे टू द पॉइंट बता? हम तो लास्ट में चाहते हैं इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, मतलब गवर्नमेंट नारा दे रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का।